नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। कोविड 19 के इस माहौल में दफ्तरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिन जहां धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी, वहीं केंद्र सरकार ने दफ्तरों के लिए भी नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके तहत 8 जून से सरकार पहले चरण में धीरे धीरे छूट देने का मन बना रही है। दफ्तरों के लिए भी SOP जारी कर दिया गया है। कोविड 19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने का और डाकघर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। और किसी भी कार्यालय में कोविड 19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरे कार्यालय को सैनिटाइज करवाकर फिर से काम शुरू किया जा सकता है। यह भी साफ कह दिया गया है कि यदि कोविड 19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटों के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही बिना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा और चेहरा ढकना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में आंधी तूफान की बढ़ी आशंका। भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में आंधी तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर हरियाणा के कैथल और बल्लभगढ़, उत्तराखंड के रुड़की, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, MP और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सिर्फ बारिश ही नहीं, इन राज्यों में तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि आने वाले 10 जून तक दिल्ली में भारी गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिण पश्चिमी हवा चलने की वजह से दिल्ली NCR में नमी आ जाएगी और आने वाले दिनों में राजधानी में बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने सभी लोगों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि आंधी के साथ साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 8 जून से खुलेंगे मंदिरों के कपाट, मगर नहीं मिलेगा प्रसाद। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच जारी बंद में अब तक छूट दी जा रही थी, जिसके तहत 8 जून से देश भर में मंदिरों और धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला सुनाया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए यह साफ कर दिया था कि मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा और ना ही पवित्र जल का छिड़काव आपके ऊपर किया जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान की मूर्ति को भी छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मंदिरों में प्रवेश और निकासी का अलग अलग स्थान रखा जाएगा। मंदिरों और मंदिर प्रांगण को दिन भर में कई बार धोना होगा। वहीं मंदिर में लगे AC का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच ही रखना होगा। वहीं मंदिरों में पूजा करने के लिए आपको अपने घर से आसन लेकर जाना होगा। इसके साथ ही मंदिरों में पूजा करने के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आज साल 2020 का लगेगा दूसरा चंद्र ग्रहण। आज साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जनवरी महीने में लगा था। वहीं आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के अलावा जून के महीने में एक और सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। वहीं आज लगने वाले चंद्र ग्रहण की बात करें तो आज का चंद्र ग्रहण उपाक्ष चंद्र ग्रहण है। सूरज और चांद के बीच पृथ्वी घूमते हुए आती है और इस समय यह तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, तब उपाक्ष चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसकी शुरुआत रात के 11:16 पर होगी। वहीं चंद्र ग्रहण की समाप्ति 2:32 पर होगी। कोविड 19 की जांच के लिए भारतीय साइंटिस्ट ने निकाला नया तरीका। भारत में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं इसी बीच भारतीय साइंटिस्ट ने कोविड 19 की जांच के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पहली बार ऐसी तकनीक को विकसित किया गया जिससे जरिए कोविड 19 का फैलाव कम समय में और कम खर्च में पता लगाया जा सकता है, जिसके तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने TE बफर तकनीक का तैयार किया है। खबरों की माने तो हैदराबाद से सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जांच के लिए RT-PCR की मॉडिफाइड तकनीक का पता लगाया है। इसकी मदद से RT-PCR जांच में करीब आधा समय ही लगेगा। वर्तमान में एक सैंपल के आर्टिफिशियल जो जांच होती है वो करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इस नई तकनीक से न सिर्फ 40% सस्ती होगी बल्कि 20% ज्यादा प्रभावी परिणाम भी देगी, जिसके तहत CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया है कि इस नई तकनीक से जुड़ी तमाम जानकारी के बीच काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजी जाएगी, जिसके बाद इस नई तकनीक के इस्तेमाल पर आगे सोच विचार किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल पर्यावरण का है अच्छा हाल। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर साथ ही दुनिया में कोविड 19 के जारी जद्दोजहद के बीच पर्यावरण राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि कोविड 19 के कारण बंद की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो गई है। साथ ही फैक्ट्री में काम भी लगभग बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में कोई भी हानिकारक कण मौजूद नहीं हो रहा है और हवा पहले की तरह ही साफ होने लगी है। देश में फैले प्रदूषण का स्तर तो कोविड 19 के कारण बंद के बाद पता चला और जब आसमान साफ होने लगा और दूर दूर के पहाड़ देखने लगे, जो पक्षी लुप्त हो गए थे वह फिर से दिखाई देने लगे, चिड़ियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी, नदियां जो प्रदूषित हो चुकी थी वह फिर से साफ होने लगी है। उसके पीछे सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे मगर परिणाम कुछ भी हाथ नहीं लगा था, अब वह अपने आप साफ हो रही है। वहीं इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को सेलिब्रिटी बायोडायवर्सिटी रखा गया है, जिसका आयोजित कोलंबिया ने जर्मनी के साथ मिलकर किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी है। 200 मीटर दौड़कर भूखे को दूध पिलाने पहुंचे RPF जवान को किया जाएगा पुरस्कृत। भोपाल स्टेशन पर 4 महीने के शिशु को दूध देने के लिए करीब 200 मीटर दौड़ लगाने वाले RPF जवान इंदर यादव को सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान जारी कर दिया है
और यह बताया है कि आरपीएफ जवान को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें 31 मई को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही थी। इसके कोच में साफिया हाशमी नामक महिला बैठी थी और उसकी बेटी दूध नहीं मिलने की वजह से रो रही थी। ट्रेन जब रात 8:43 पर स्टेशन पर पहुंची तो साफिया ने बाहर खड़े जवान इंदर से मदद की मांग की। महिला ने कहा कि खाना तो मिल गया है, मेरा पेट तो खाली नहीं है, लेकिन मेरी बेटी रो रही है। पिछले स्टेशनों से मांग करती आ रही हूं, लेकिन दूध कहीं नहीं मिला है। जवान ने दौड़ लगाकर महिला की मदद की। स्टेशन से बाहर जवान भागकर दूध लेने पहुंचा और प्लेटफॉर्म के अंदर पैर रखते ही ट्रेन चलने लगी, जिसके बाद जवान तेज से दौड़कर महिला को दूध पहुंचाने में कामयाब रहा। इसके बाद कई लोगों ने इंदर को असली हीरो बताया है और साथ ही साफिया ने भी एक वीडियो जारी करके जवान का धन्यवाद दिया है और इंदर के असली हीरो बताया है। विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत 1.7 लाख से ज्यादा प्रवासियों के स्वदेश वापसी की दी सूचना। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब तक लाखों लोग वापस आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 7 मई को वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और उसके बाद से विदेशों में फंसे 1.7 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। 13 जून को दूसरे चरण पूरा हो जाने के बाद सरकार तीसरे चरण के लिए तैयारी शुरू कर देगी। इसके आगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि इस चरण में 31 देशों में 337 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करीब 38,000 लोगों को लाए जाने की संभावना है। इससे पहले चरण में 7 मई से 15 मई तक 12 देश से करीब 15,000 लोगों को लाया गया था, वहीं 17 से 22 मई तक बाकी लोगों को भारत पहुंचाया गया है, जिसके तहत एयर इंडिया ने दूसरे चरण में 103 उड़ानों का संचालन किया है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना ने भी श्रीलंका और मालदीव से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए अभियान चलाया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक लाखों प्रवासी भारतीय वापस अपने देश पहुंच चुके हैं। चीनी कंपनी की लापरवाही आई सामने। चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीवो कंपनी के एक इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव है, जिसका खुलासा मेरठ एडीजी जोन ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी के मोबाइल खराब होने के बाद हुआ है, जिसके तहत उसने वीवो के सर्विस सेंटर पर अपना फोन ठीक करवाया था। कुछ दिनों बाद ही मोबाइल में दोबारा कुछ और प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई, जिसके बारे में जब किसी और पुलिसकर्मी से उसने बात की तो पुलिसकर्मी ने मेरठ जोन सर्विलांस टीम से बातचीत की तो उन्हें मोबाइल में IMEI नंबर में गड़बड़ी लगी, जिसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि एक ही IMEI नंबर पर 13,557 मोबाइल फोन एक्टिव है, जिसके बाद मेरठ पुलिस की साइबर सेल ने भारत में वीवो कंपनी के उच्च अधिकारियों को एक नोटिस भेजा है। कंपनी की ओर से नोटिस का जो जवाब मिला है उसे साइबर संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद मेरठ जोन एडीजी ने कंपनी की तरफ से बड़ी लापरवाही होने की बात कही है। अमेज़न जल्द ही 15,000 करोड़ का कर सकती है निवेश। कोविड 19 के माहौल में देश की टेलीकॉम कंपनी फल फूल रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न एयरटेल में $2 अरब यानी कि 15,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। इससे पहले अप्रैल महीने में फेसबुक ने रिलायंस में 44,000 करोड़ के करीब भारी निवेश किया था। उसके बाद अब तक कंपनी में 5 निवेशक 78,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। पिछले दिनों यह सुनने में आया था कि गूगल वोडाफोन में $2 अरब का निवेश करने वाला है। हालांकि वोडाफोन के बाद ये सफाई देते हुए यह कहा गया था कि उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल पेश नहीं किया गया है। वहीं अमेज़न द्वारा किए जा रहे डील की बात करें तो अमेज़न ने निवेश से भारतीय एयरटेल में उसकी हिस्सेदारी 5% के करीब होगी। एयरटेल के भारत में 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और यह अपने देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनेगी। गूगल प्ले स्टोर ने मित्रों और रिमूव चाइनीज ऐप्स को हटाए जाने का दिया जवाब। गूगल ने हाल ही में 2 मोबाइल ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। इन दोनों ऐप का नाम था मित्रों और रिमूव चाइनीज ऐप। इन दोनों ऐप को बहुत ही कम समय में भारत में काफी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था और अब गूगल ने बताया है कि इन दोनों ऐप को रिमूव करने के पीछे का कारण क्या रहा था। एंड्रॉइड गूगल प्ले के वाइस प्रेसिडेंट समीर सामंत ने अपने बयान में कहा है कि हमने इस सप्ताह के शुरुआत में एक वीडियो आपको टेक्निकल पॉलिसी इशू की वजह से हटाया है। हम इस इशू को फिक्स करके डेवलपर की लगातार मदद कर रहे हैं ताकि वह फिर से अपने ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सके, जिसके बाद मित्रों के जल्दी वापसी होने की उम्मीद बढ़ गई है। वही बात अगर रिमूव ऐप की करें तो इसकी वापसी की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि यह ऐप दूसरे ऐप को फोन से डिलीट करने के ट्रेंड को बढ़ावा देता है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के इस माहौल में 8 जून से मंदिरों को खोलने के बाद आम नागरिकों को किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।